नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डीजे स्टडी क्लास में। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 3 का एक ऑफिशियल नोटिस बार बार फेसबुक व्हाट्सएप पे आ रहा है। लगातार लोग कमेंट पूछ रहे हैं, सर ये नोटिस फेक है या रियल है। तो आइए चलिए आज नोटिस से पूरी जाँच पड़ताल करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिस रियल या फेक है, नोटिस रियल है या फेक है, उसमें जो रिजल्ट डेट बताई गई है 6 जून बताई गई है। तो हम 6 जून पे पूरा पूरा आप लोग कब देखेंगे कि आखिर ये नोटिस रियल है कि फेक है, उस पर सारी चीज़ डिटेल में करेंगे, डिटेलिंग करेंगे और बताएंगे आपको ये नोटिस रियल है या फेक है। और ये चलिए देखते हैं हम नोटिस जो मार्क चल रहा है व्हाट्सएप फेसबुक पे, बार बार इधर से उधर लोग मैसेज कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं नोटिस रियल है फेक है। देखिए, ऑफिशियल नोटिस जो बनाया गया है हूबहू बनाया गया है सेम टू सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिस के हिसाब से। तो देख लीजिए, अगर आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ऐसा ही हूबहू नोटिस रेलवे भी डालता है, सेम टू सेम वैसा ही बनाया गया है नोटिस। ये CN01 असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन पब्लिशिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट सीबेट स्कोर कार्ड लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एएलपी सीबीटी थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड ऑन 10 और 5 मई को जो टेस्ट हुआ था रेलवे बोर्ड के हिसाब से लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए। CN01 2018 इवेल्यूएट किया गया और कंसिडर्ड किया गया रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम कैंडिडेट्स आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ द, देखिए यहाँ पे द के बाद छोड़ दिया, ये नहीं कर पाया एडिटिंग, ठीक है। आप रिजल्ट 5/4 आपका जो फाइनल रिजल्ट आया था आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का, वो 5 अप्रैल को आया था। एड्रेस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर की एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट पोस्ट ऑफ पब्लिकेशन 5/4/2019। आरआरबी रिग्रेट इनएबिलिटी टू एंटरटेन एनी फर्दर करस्पॉन्डेंस फ्रॉम द कैंडिडेट सेम, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ विद द स्कोर कार्ड लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड अपेयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर सुपरसीडेड द रिजल्ट विल बी 6/4 यानी 6 जून को ये लोग कह रहे हैं रिजल्ट आने वाला है। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट कैन नाउ व्यू देयर इंडिविजुअल टी स्कोर शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लॉगिंग थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ड्यूली एंटरिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम 6 जून से 20 जून से। दोस्तों देखिए, रिजल्ट जो आपका 5 से 6 के बीच में तो आने वाला है, मगर ये जो आपकी नोटिस है वो कहीं से भी रियल नहीं है। अगर ये रियल होती तो इसमें सब कुछ कंफर्म होता, साथ ही साथ रियल नहीं है नोटिस ये, बिकॉज मैंने जितनी भी आरआरबी है सब पे ट्राई करके देख लिया, जितनी भी आरआरबी सी सब पे मैंने देख लिया है, किसी भी आरआरबी कोई भी नोटिस नहीं आया ऐसा। तो ये नोटिस एकदम फेक है, 100% फेक है, आप लोग इस पर बिल्कुल भरोसा मत करिए, ये नोटिस फेक है, ठीक है। रिजल्ट आपका नो डाउट 6 तारीख तक आ जाएगा, लेकिन ये नोटिस एकदम फेक है, फेक है, फेक है। तो आप लोग इस नोटिस को डिलीट कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक।